नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र चौधरी अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। देखो, ट्रिग्नोमेट्री से रेशो वाला चैप्टर अपन कर रहे थे, तो मैंने पीछे वाले वीडियो में आपको बताया था कि लगभग ये चैप्टर क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। लेकिन फिर भी देखो, जब मैं रिवाइज करा नोट्सों को तो एक टाइप इस चैप्टर की रह रही है, उसके बाद में ख़त्म होगा। तो आज उस वाली जो रह रही है अपनी टाइप, उसको ख़त्म करेंगे, उसके बाद में रेशो वाला चैप्टर अपनी ख़त्म हो जाएगा। और जो यहाँ पे मैं क्लास में क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उन क्वेश्चनों के PDF प्राप्त करने के लिए आपको मैथ्स बाय राजेंद्र चौधरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, और वहाँ से आपको इसकी PDF प्राप्त करनी है। ट्रिग्नोमेट्री की शीट फर्स्ट का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो वाले चैप्टर की शीट में वहाँ पे आपको अपलोड करवा दूंगा। शीट तैयार है और वहाँ से शीट को डाउनलोड करना है आपको। डाउनलोड करके या तो उसकी हार्ड कॉपी निकलवानी है, हार्ड कॉपी का मतलब उसकी फोटो कॉपी निकलवानी है PDF की, डाउनलोड करके, और क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है। हाईलाइट करने का मतलब उन पे स्टार लगा दिया है, और जो रिसेंटली एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन हैं उन पे मैंने लेटेस्ट लिख के अलग से मेंशन किया है कि ये रिसेंटली एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है, और उन पूरे क्वेश्चनों को आपको लगाना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पे जो टाइप रह रही है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे, उसके बाद में अपन सेकंड वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, टेबल वाला चैप्टर। उसके बाद में तीसरा वाला चैप्टर, एंगल चेंजिंग जो चैप्टर है अपना, वो करेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर चौथा होता है अपना, वो करेंगे। तो आज जो बची हुई टाइप है उसको कंप्लीट करते हैं अपन। नेक्स्ट टाइप देखो, टाइप नेक्स्ट चल रही है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। नेक्स्ट टाइप, ये टाइप किस प्रकार से आएगी देखो। साइन थीटा, कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 5/3 दे रखा है अपने को। फाइंड टेन थीटा, टेन थीटा का मान पूछा है अपने से। साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटे में साइन थीटा माइनस कोस थीटा का मान 5/3 दे रखा है, और टेन थीटा का मान पूछा है। इन क्वेश्चनों को अपन दो तीन तरीके से सोल्व कर सकते हैं। और इस टाइप में देखो, एक इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है कंपोनेंडो डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये एक विधि होती है इन इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करने की। जो डबल है वो सिंगल हो जाता है, जो सिंगल है वो डबल हो जाता है। देखो विधि क्या कहती है अपनी। यदि ए ए प्लस बी बटे में ए माइनस बी दे रखा है अपने को, और बराबर में एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई दे रखा है। तो इन क्वेश्चनों को किस प्रकार से सोल्व करते हैं। अंश में से हर को घटाओ, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। तो ए प्लस बी अपना क्या हो गया, अंश। इसमें से एक बार क्या कर देंगे, हर को घटा देंगे, ए माइनस बी, ए माइनस बी, और एक बार जोड़ देंगे। चलो ऊपर माइनस ले लेते हैं, प्लस से भी हो जाएगा, ये प्लस हो गया ना। हाँ ठीक है, और एक बार इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी। अंश में से एक बार हर को घटाना है और एक बार जोड़ देना है, और यहाँ पे एक्स प्लस वाई बटे एक बार घटाएंगे माइनस एक्स प्लस वाई बटे में एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई। समझ में आई ये विधि, मेरे को ऐसा लग रहा है कि समझ में नहीं आई होगी। इस मेथड को बोलते हैं अपन
इस मेथड को बोलते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो मेथड। डबल टर्म्स क्या हो जाती है, सिंगल हो जाती है, और सिंगल टर्म्स क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। कैसे, ए प्लस बी दे रखा है बटे में ए माइनस बी दे रखा है, इधर एक्स प्लस वाई दे रखा है बटे में एक्स माइनस वाई दे रखा है। तो पहले अंश में से हर को घटाओ और फिर अंश में हर को जोड़ दो। तो यहाँ पे देखो ये अंश हो गया, इसमें से पहले हर को घटाऊंगा मैं, ये अंश हो गया, अंश में हर को जोड़ दूंगा। इधर भी ऐसे ही करना है, ये अंश हो गया, अंश में हर को घटा दूंगा, और ये अंश नीचे भी अंश हो गया है तो अंश में हर को जोड़ दूंगा। कहने का मतलब है सबसे पहले ऊपर अंश लिख लो, नीचे भी अंश लिख लो, एक बार हर को इसमें से घटा दो, एक बार हर को नीचे जोड़ दो। यहाँ पे भी अंश लिख लो, नीचे भी अंश लिख लो, ये अंश लिख लिया ऊपर नीचे, पहले हर को घटा दो और फिर नीचे हर को जोड़ दो। इस विधि को बोलते हैं अपन कंपोनेंडो डिविडेंडो मेथड। जो नया बच्चा है अपने चैनल पे, देखो जो एसएससी की तैयारी पहले से कर रहा है और अपने वीडियो को देख रहा है, वो तो इस मेथड को समझता होगा, लेकिन जो कोई नया बच्चा है और अभी अभी कंपटीशन में आया है और अपने चैनल पे अपनी क्लास को देख रहा है, तो उसको कंपोनेंडो डिविडेंडो समझना अति आवश्यक है, क्योंकि आगे आने वाले कई क्वेश्चनों में मैं सीधा कंपोनेंडो डिविडेंडो मेथड लगा के उन क्वेश्चनों को सोल्व करूँगा। तो यहाँ पे इस मेथड को अच्छे से समझना ज़रूरी है, कंपोनेंडो डिविडेंडो मेथड क्या है। यदि इस रूप में अपने को कोई वैल्यूज़ दे रखी है, ए प्लस बी बटा ए माइनस बी बराबर एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई, तो अपन पहले क्या करेंगे, अंश को ऊपर नीचे लिख लेंगे ए प्लस बी ए प्लस बी, फिर हर को क्या करेंगे, ऊपर वाले में से पहले घटा लेंगे फिर नीचे वाले में जोड़ देंगे, फिर अंश और हर को ऊपर नीचे, सॉरी अंश को ऊपर नीचे लिख लेंगे, उसमें से हर एक बार घटा देंगे एक बार जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हुआ क्या, देखो ए से ए कट गया, ये प्लस माइनस का था कट गया, और यहाँ पे बी से बी कट गया, बी से बी कट गया क्योंकि प्लस माइनस का था, तो ऊपर टू बी रह गया अपना और नीचे टू ए हो गया, तो दो से दो भी कट गया, तो अपने पास b बटा a रह गया, और यहाँ पे x से x कट गया तो 2y, यहाँ पे y से y कट गया तो 2x, और दो से दो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है जो डबल टर्म्स थी वो सिंगल हो गई, और जो सिंगल टर्म्स होती है वो अपनी डबल हो जाती है। इस प्रकार के मेथड को अपन कंपोनेंडो डिविडेंडो मेथड बोलते हैं, जो इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। हालांकि इस क्वेश्चन को आप बिना कंपोनेंडो डिविडेंडो के भी सोल्व कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, वो आगे बताऊंगा मैं। अब पहले देखो मैं इसमें क्या लगा रहा हूँ, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा रहा हूँ। तो देखो साइन थीटा अंश में क्या है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, तो नीचे हर में भी क्या लिखूंगा मैं, साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा सॉरी प्लस कोस थीटा। अंश को दो बार लिखना है, अंश को ऊपर साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटे में साइन थीटा कोस थीटा, अंश को लिख लिया, अब ऊपर वाले में पहले घटा देते हैं, घटाएंगे तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, हर को घटा देंगे और फिर एक बार नीचे हर को जोड़ देंगे, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इधर भी ऐसे ही करना है, ऊपर नीचे पाँच को लिखना है, अंश को लिखना है और फिर इसमें से एक बार हर को घटा देंगे और नीचे हर को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ये मेथड क्या होता है अपना, कंपोनेंडो डिविडेंडो मेथड होता है। अब यहाँ से ये हो गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और माइनस माइनस से गुणा हो कि प्लस का कोस थीटा हो जाएगा, बटे में साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो कोस थीटा थे कोस थीटा कट गया और ऊपर क्या कट गया, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, तो टू कोस थीटा बटे टू साइन थीटा। इधर देखो इधर पाँच में से तीन गया तो दो बच गया, और नीचे पाँच तीन कितने हो गए, आठ, कट के कितना हो गया, एक बटा चार। ठीक है,
ये 2 से 2 कट गया, तो कोस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है, कोट थीटा। कोट थीटा की वैल्यू 1/4 आई है, तो कोट थीटा का उल्टा क्या होता है, टेन थीटा होता है, तो इसका उल्टा कर देंगे, 1/ कोट थीटा की जगह 4, और 1/ कोट थीटा क्या होता है, टेन थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, और 4 ही अपने क्वेश्चन का सही आंसर है। इस मेथड को बोलते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो मेथड, जो मैंने आपको डिटेल से समझाया है। हालांकि आप देखो यहाँ पे अंश अंश लिख के पहले प्लस भी कर सकते थे, यदि पहले प्लस करते हैं अपन तो सीधा टेन थीटा का उत्तर आ जाता है यहाँ पे, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे माइनस से बताया तो माइनस से ही मैंने क्वेश्चन को सोल्व किया है। यहाँ पे अंश को 2 बार लिख लो, ऊपर नीचे अंश को लिख लो, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, 1 बार जोड़ दो 1 बार घटा दो, या 1 बार घटा दो 1 बार जोड़ दो, कुछ भी कर सकते हो, उत्तर पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कौन सा मेथड है अपना, कंपोनेंडो डिविडेंडो मेथड। तो इस मेथड से अपना क्वेश्चन का आंसर कितना आने वाला है, 4। कोई से भी मेथड से करो आंसर तो 4 ही आने वाला है। इस क्वेश्चन में मेरे को आपको केवल ये सिखाना था कंपोनेंडो डिविडेंडो। अपने नोट्सों के कोने में हाईलाइट करके इस मेथड को लिख लो, क्योंकि आगे बहुत सारे क्वेश्चनों में ये मेथड अप्लाई करूंगा मैं, और सीधा उत्तर निकालूंगा। बार बार ये नहीं समझाऊंगा आपको कि इस प्रकार से कंपोनेंडो डिविडेंडो मेथड होता है। अब देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने की दूसरी विधि देखो, हो सकता है ये कई बच्चों के समझ में नहीं आ रही है तो छोड़ देना है, दूसरी वाले विधि से अपने को क्वेश्चन को सोल्व करना है। यदि पहले वाला मेथड समझ में नहीं आ रहा है, कंपोनेंडो डिविडेंडो नहीं आ रहा है, नहीं लगा पा रहे हो, तो दूसरे वाले मेथड से कर सकते हो। और यदि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को बार बार देखना है, दोबारा से वीडियो को देखना है और क्वेश्चनों को ध्यान से समझना है। आराम आराम से चल रहे हैं अपन, अच्छे तरीके से क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चनों को समझ के कर रहे हैं, पूरे क्वेश्चन अपने होने चाहिए, यही अपना पर्पज है। देखो यहाँ पे कॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 को इससे गुणा कर दो, और मेरे को लगता है ये वाला मेथड ठीक रहेगा इसके लिए। मैं देखो आपको सीधा ये वाला मेथड भी बता सकता था, पहले कंपोनेंडो डिविडेंडो ना बता के ये वाला मेथड भी बता सकता था, लेकिन कंपोनेंडो डिविडेंडो समझाना भी मेरे लिए जरूरी था। आगे कोई क्वेश्चन में कंपोनेंडो डिविडेंडो अपने को लगाना है तो उसमें और समझा दूंगा मैं आपको, और क्लियर कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे भी समझना जरूरी है कि ऐसे क्वेश्चनों को अपने को कंपोनेंडो डिविडेंडो से सोल्व करना आना चाहिए। तो यहाँ से ये हो गया 3 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर 5 sin थीटा प्लस माइनस 5 cos थीटा, गुणा हो गई। अब देखो इस 3 को इधर ले आओ, तो 5 में से 3 गया तो 2 sin थीटा, ये माइनस का 5 इधर जाके प्लस का हो गया बराबर 8 cos थीटा। साइन थीटा को एक तरफ ले लो, कोस थीटा को एक तरफ ले लो, तो यहाँ से साइन ये कोस थीटा नीचे ले जाऊँगा, इस 2 को इधर ले आऊँगा, तो साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर ये इधर बटे में आ जाएगा 8/2। तो ये साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा टेन थीटा ही तो होता है, टेन थीटा, और ये 4 कट के कितना, 8 कट के कितना हो जाएगा, 4, यही अपने क्वेश्चन का आंसर है। चाहे आप कंपोनेंडो डिविडेंड से करो, चाहे आप इस क्रॉस मल्टीप्लाई वाले मेथड से करो, उत्तर क्या आएगा इस क्वेश्चन का, 4, और ये अपने टिग्नोमेट्री के चैप्टर फर्स्ट, टिग्नोमेट्रिक रेशो वाले चैप्टर फर्स्ट की नेक्स्ट टाइप है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। इस टाइप से 8-10 क्वेश्चन है जो आज अपन इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया, इसके कितने मेथड बता दिए मैंने, 2 मेथड बता दिए। पहला मेथड कंपोनेंडो डिविडेंडो, कंपोनेंडो डिविडेंडो उसको योगांतर विधि बोलते हैं, योग एक बार योग करना है, एक बार अंतर करना है, अंश बटे में अंश लिखना है, ऊपर पहले हर को जोड़ देना है और नीचे हर को घटा देना है, ऐसा दोनों तरफ करना है, उस विधि को बोलते हैं अपन कंपोनेंडो डिविडेंडो। उस विधि से भी अपने क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 4, और क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से भी इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा,
चार। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू साइन थीटा माइनस थ्री कोस थीटा बटे में थ्री साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर दे रखा है 5/3। फाइंड टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू निकालना है। अब देखो, पहले मेथड से करके बता रहा हूं मैं, कंपोनेंडो डिविडेंडो से। एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं, पहले इसको लिखना है ऊपर नीचे, टू साइन थीटा माइनस थ्री कोस थीटा। नीचे भी ये लिखना, टू साइन थीटा माइनस थ्री कोस थीटा। ऊपर नीचे अपने को अंश को लिखना है। अब पहले इसमें जोड़ देते हैं, प्लस थ्री साइन थीटा माइनस कोस थीटा। देखो मैं जोड़ क्यों रहा हूँ, क्योंकि मेरे को कोस थीटा हटाना है, इसीलिए मैं जोड़ रहा हूँ। देखो इसमें तो कंपोनेंडो डिविडेंडो नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें कटेगा ही नहीं। यहाँ पे थ्री कोस थीटा दे रखा है, और नीचे देखो ऊपर नीचे समान नहीं दे रखा है, इसका मतलब इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो नहीं लगा सकते हैं। जब ऊपर नीचे अपने को समान देता है, इनकी वैल्यू समान देता है और चिन्ह अलग अलग होते हैं, तभी कंपोनेंडो डिविडेंडो लग सकता है अपना। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से ही अप्लाई करेंगे अपन। ये कितना हो जाएगा, सिक्स साइन थीटा, और ये कितना हो जाएगा, नौ कोस थीटा बराबर। यहाँ से 15 sin θ सीधा गुणा कर रहा हूँ मैं, और यहाँ से हो जाएगा -5 cos θ। इस साइन थीटा को इधर ले जाएंगे तो 9 sin θ बराबर, ये इधर चला जाएगा अपना, ये इधर आ गया, तो इसको इधर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा बराबर 4 cos θ। तो यहाँ से साइन थीटा कोस थीटा नीचे ले जाएंगे तो साइन थीटा बटे कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 9/4, सॉरी 4/9। ये क्या हो गया अपना, टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 4/9। और यही अपने क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समझ में आया क्वेश्चन? क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है अपने को। टेन थीटा प्लस कोट थीटा बटे में टेन थीटा माइनस कोट थीटा बराबर 2 दे रखा है अपने को। फाइंड साइन थीटा। फाइंड साइन थीटा। अब देखो इस वाले में टेन थीटा प्लस कोट थीटा, टेन थीटा माइनस कोट थीटा, इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा सकते हैं अपन, लेकिन मैं क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से बता रहा हूँ आपको। इसके नीचे एक है, ये गुणा होगा, तो टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर हो जाएगा 2 tan θ माइनस 2 cot θ। अब देखो यहाँ से टेन थीटा इधर ले आऊँगा मैं, तो टेन थीटा और ये कोट थीटा, 2 cot θ इधर जाएगा तो बराबर हो जाएगा 3 cot θ। अब यहाँ से टेन थीटा बटे कोट थीटा बराबर 3 हो जाएगा मेरा। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा बटे में कोस थीटा बटे साइन थीटा बराबर हो जाएगा 3। अब इसको उल्टा करके गुणा कर देंगे अपन,
तो यहाँ से हो जाएगा ये साइन थीटा बटे कोस थीटा साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो ये टेन थीटा इंटू टेन थीटा मिलके हो जाता है टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 3 दे रखी है, टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 3 दे रखी है, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3। स्क्वायर का क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो टेन थीटा की वैल्यू अपन ने कितनी निकाल ली, √3 निकाल ली। तो टेन थीटा अपने पास होता क्या है, देखो यहाँ से एंगल से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, हालांकि आपको सेकंड वाला चैप्टर पहले बताया नहीं है। टेन थीटा की वैल्यू √3 60 डिग्री पे होती है, तो थीटा का मान 60 डिग्री होगा। उस वाले मेथड से भी अपन सोल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे केवल रेशो वाला चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, तो उसी से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। टेन थीटा होता है अपना लंब बटा आधार, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, उसके नीचे एक होता है। तो लंब तो हो गया अपना √3 और आधार हो गया एक। तो यहाँ से कर्ण की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कर्ण की वैल्यू अपने पास, हाइपोटेनस अपने पास आ जाएगी 2, क्योंकि √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो गया, एक का स्क्वायर एक हो गया, दोनों को जोड़ेंगे 4 हो गया, 4 का रूट 2 बार आ जाएगा। यहाँ से पाइथागोरस लगा के आप हाइपोटेनस की वैल्यू निकाल सकते हो। अब अपने पास साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा होता है अपना लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है √3, कर्ण कितना निकाला 2, और यही अपने क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया, यहाँ से कंपोनेंडो डिविडेंडो भी लगा सकते हैं, लेकिन अपन इन वाले क्वेश्चनों में क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड को क्या देंगे, प्रायोरिटी देंगे, उसी से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 3 आई, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, उसके नीचे एक होता है, तो आधार एक हो गया, लंब 3 हो गया, कर्ण अपना 2 हो गया। तो साइन थीटा की वैल्यू अपन आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिमाग में बिठा लेना इन क्वेश्चनों को, और अच्छे तरीके से टाइप वाइज पूरे क्वेश्चनों को निपटाना है। शीट आपको मैथ्स बाय राजेंद्र चौधरी चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, हालांकि मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से आपको चैनल को ज्वाइन करना है, शीट को डाउनलोड करना है, और शीट में 55 से 60 क्वेश्चन है, उनको सभी को लगाना है, उनकी सभी की प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटे में साइन थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू 3 दे रखी है अपने को, फाइंड करना है साइन 4 थीटा माइनस कोस 4 थीटा। ये वैल्यू अपने को बतानी है, इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा सकते हैं, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से करेंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, उसके नीचे एक होता है। तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा। यहाँ से इसको इधर ले जाएंगे, तो 2 साइन थीटा बराबर ये इधर चला जाएगा 4 कोस थीटा। ये 2 से 2 बार कट गया, तो साइन थीटा बटे कोस थीटा ये नीचे चला गया और बराबर 2। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आई, 2 आई। टेन थीटा की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 2 आ गई। सही किया ना अपन ने, साइन थीटा इधर आ जाएगा, तो 2 साइन थीटा, 3 में से 1 गया, तो 2 बच जाएगा, और ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, 3 ये 1 ये 4 हो गया। तो टेन थीटा की वैल्यू 2 आ गई, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, उसके नीचे हमेशा क्या होता है, एक होता है। टेन थीटा अपना क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बटा बेस। तो यहाँ से हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे 4 और बेस का स्क्वायर 1 5, तो √5 इसकी क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर मेरे को दे रखा है 2 और बेस मेरे को दे रखा है 1, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया,
दोनों को जोड़ेंगे, 5 हो गया, 5 का रूट ले लेंगे तो ये हाइपोटेनस की होगी। अब यहाँ से देखो इसको सोल्व करना है, तो साइन 4 थीटा माइनस कोस 4 थीटा ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है अपने पास। देखो एलजेब्रा का थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए आपको, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये मेरे को साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर दिख रहा है। तो यहाँ से ये हो जाएगा, एक बार प्लस में लेना है एक बार माइनस में लेना है, ये एलजेब्रा के फॉर्मूले से खोल रहा हूँ, एलजेब्रा पढ़ने के बाद में अच्छे से समझ में आ जाएगा ये। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ एक बार माइनस कर दूंगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये सर्वसम्मिका के अनुसार एक हो गया। एक को किसी भी संख्या से गुणा करें हमेशा एक ही होता है। तो कुल मिला के मेरे को इस प्रश्न में केवल इतना पूछा है, एग्जामिनर केवल इतना पूछा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर 2 है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और रूट 5 का स्क्वायर 5, माइनस ये होता है बेस ए का स्क्वायर 1 बटे में हाइपोटेनस, हाइपोटेनस रूट 5 है, रूट 5 का स्क्वायर 5, 5 एलसीएम हो गया अपना और 4 में से ये गया तो 3, तो 3/5 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब देखो यहाँ पे आपको केवल साइन 4 थीटा साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा पूछ रहा है, तो यहाँ से मेरे को समझ में आ गया ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ से साइन स्क्वायर का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर का स्क्वायर कर सकता हूँ, इसको यहाँ से प्लस में हो जाएगा एक बार माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से कुल मिला के अपने को पूछ रहा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू अपन ने कितनी निकाली, 3/5, और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये अप्रोच आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए, इतना बेसिक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और देखो आपके बेसिक यदि मजबूत है तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। बेसिक से ये क्वेश्चन बनता है, तो देखो इतने डिटेल से मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। कौन सा मेथड कर रहे हैं अपन, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, और इन क्वेश्चनों को हमेशा कौन से मेथड से करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से। हालांकि कंपोनेंडो डिविडेंडो इसमें लगा सकते हैं अपन, लेकिन मैंने नहीं लगाया, मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से बताया, जो देख लो इस प्रकार से सॉल्व होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और देखो आपके लिए मेहनत करके इतने क्वेश्चनों को छांटना, उनको टाइप वाइज सेट करना और फिर आपके सामने रिप्रेजेंट करना, ये बहुत कठिन टास्क है, जिसे आप हरकुलियन टास्क बोल सकते हो। इडियम फ्रेज होता है हरकुलियन टास्क, इसका मतलब होता है कठिन कार्य। फिर भी मैं आपके सामने सभी क्वेश्चनों को टाइप वाइज सेट करके आपके सामने ला रहा हूँ, आपको सोल्व करवा रहा हूँ। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें वीडियो को, जिससे वो मैथ पढ़ सके, कॉम्पिटिटिव मैथ पढ़ सके और अपने सपनों को साकार कर सके। तो और ये तो गारंटी है कि यहाँ से मैथ करने के बाद में आपकी ज़िंदगी में कहीं और से मैथ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। यदि यहाँ से पूरे बेसिक कंप्लीट कर लेते हो और पूरी मैथमेटिक्स तरीके से पढ़ लेते हो, जैसे जैसे मैं बोलता हूँ वैसे वैसे कर लेते हो। अब आपको देखो टेलीग्राम को ज्वाइन करना होगा, टेलीग्राम ज्वाइन करते ही आपको वहाँ पे एक सीट डाली है अभी मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो वाले चैप्टर की, उससे 55 क्वेश्चन दे दिए। यदि 55 क्वेश्चन पूरे क्वेश्चन आप लगा लेते हो, पूरे क्वेश्चनों को सोल्व कर लेते हो, तो उनसे बाहर रेशो वाले चैप्टर में कुछ ही नहीं जाएगा। कुछ डाटा घुमा के भी दे देगा, ट्राइंगल ट्रिपलेट कोई सेट करके दे देगा, तो भी आप समझ जाओगे कि हाँ ये क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो वाले चैप्टर से हैं, और उसको कौन कौन से तरीके से जितनी भी टाइपें बन सकती है वो टाइपें मैंने बताई है। तो कोई सी भी टाइप आ जाए तो उसको आप तुरंत समझ जाना है कि इस तरीके से अपने को इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, जो टाइम कम लगे उस वाले तरीके से अपने को क्वेश्चन को सोल्व करना है।
तो कृपया अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और आज देखो, आज खत्म होगा अपना प्रॉपर रेशो वाला चैप्टर, आज खत्म होगा। पीछे वाली क्लास में मैंने अनाउंस किया था कि अपना रेशो वाला चैप्टर खत्म हो गया है, लेकिन एक टाइप इसकी बच रही थी, वो टाइप करवाना जरूरी है, तो आज ये अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। टू साइन थीटा माइनस कोस थीटा बटे में दे रखा है अपने को, कोस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर एक दे रखा है, कोट थीटा की वैल्यू पूछा है, फाइंड कोट थीटा। कोट थीटा की वैल्यू अपने को बतानी है। तो यहां से देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से टू साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर कोस थीटा प्लस साइन थीटा, एक बटा एक, इनको इससे गुणा करेंगे तो संख्या यही रह जाएगी अपनी। तो यहाँ से देखो, इसको इधर ले जाता हूँ मैं, तो ये साइन थीटा बच जाएगा, दो में से एक गया तो एक बच जाएगा, और इसको इधर ले आता हूँ तो ये बराबर हो जाएगा टू कोस थीटा। मेरे को कोट थीटा निकालना है, तो मैं कोस थीटा को नीचे नहीं लेके जाऊँगा, मैं साइन थीटा को नीचे लेके आऊँगा। तो यहाँ से कोस थीटा बटा साइन थीटा, और ये इधर जाके बटे में हो जाएगा एक बटा दो, तो कोट थीटा की वैल्यू आ गई अपने पास एक बटा दो। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। समझ में आया क्वेश्चन? कौन सा इस वाले इन वाले प्रश्नों में हमेशा अपने को क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से सोल्व करना है, कंपोनेंट और डिविडेंड लगा सकते हो, ठीक है। इस वाले में नहीं लगेगा, लेकिन जो मैं बताऊंगा उस वाले क्वेश्चनों में जो पीछे किया था अपन ने, उन वाले के प्रश्नों में अपन कंपाउंड और डिविडेंड लगा सकते हैं। देखो, इतनी माथापोड़ी नहीं करेंगे इन क्वेश्चनों में अपन, अपन तो सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वेश्चनों का आंसर देंगे। नेक्स्ट, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बटे में सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 5/3 दे रखा है, फाइंड साइन थीटा, फाइंड साइन थीटा। ये थीटा लिखते लिखते फाइंड में भी थीटा ही लिखने लग गया, प्रैक्टिस हो जानी चाहिए इतनी। यहाँ से देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 sec थीटा प्लस 3 tan थीटा बराबर हो जाएगा 5 sec थीटा, 5 sec थीटा माइनस 5 tan थीटा। यहाँ से इस 3 sec थीटा को इधर ले आऊँगा मैं, तो 2 sec थीटा बच जाएगा, 5 में से 3 गया तो 2 बच जाएगा, ये इधर जाके 8 हो जाएगा बराबर 8 tan थीटा। ये 2 से 4 बार में कट गया। सेक थीटा का मतलब क्या होता है देखो, यहाँ से ये हो जाएगा 1/cos थीटा, और ये इधर जाके बटे में हो जाएगा, तो उसको उलट के लिख देंगे, कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो ये कोस से कोस कट जाएगा, इसकी वैल्यू आनी चाहिए 4। तो अपने पास 1/sin थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा की वैल्यू 1/4, सॉरी 4 आई, कोसेक थीटा की वैल्यू 4 आई, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा होता है, साइन थीटा 1/4 हो जाएगा, और यही अपने क्वेश्चन का आंसर है। देखो, इतना फास्ट बनना पड़ेगा आपको, क्वेश्चनों को चंद सेकंडों में उड़ाना पड़ेगा, तो इसके लिए अपने को सोचना पड़ेगा कि कैसे क्या करें। यहाँ से अपन ने क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर लिया, यहाँ से अपन ने 2 को 8 से काट दिया 4 बार में। अब मेरे को पता ही, ये 1/cos थीटा होता है और ये होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, ये बटे में चला जाएगा। यदि कोई भी 4 वैल्यूज बटे में आ रही है, तो 2 नीचे वाली वैल्यू को उलट के लिख देते हैं अपन। तो यहाँ पे इसको मैं कोस थीटा बटा साइन थीटा लिख दूंगा,
कोस टीटा से कोस टीटा कट जाएगा मेरा, 1/sin थीटा कोसेक थीटा होता है, इसकी वैल्यू 4 आ गई, और कोसेक थीटा का उल्टा ही क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू 1/4 हो जाएगी, कोसेक थीटा की वैल्यू 4 हो जाएगी और साइन थीटा की वैल्यू 1/4 हो जाएगी, 1/4 ही अपने क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उड़ाना है अपने को, हो सकती है जितनी स्टेपें चुरा सकते हो उतनी स्टेपें अपने को अपने मेथडों में से चुरानी है, जितना दिमाग में हो सकता है उतना दिमाग में क्वेश्चनों को सोल्व करना है, तभी देखो अपन समय बचा सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैथमेटिक्स ऐसी सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट सब लगभग सभी स्टूडेंट्सों को आती है, इसमें देखो बाजी आगे कौन निकलता है, बाजी कौन मारता है, बाजी वही स्टूडेंट मारता है जो टाइम बचा रहा है, जो समय से क्वेश्चनों को सोल्व कर रहा है। SSC में लगभग एक ही क्वेश्चन को उड़ाने के लिए आपको 35 से 40 सेकंड मिलती है, तो 35 से 40 सेकंड में देखो इनको एवरेज लेके चलते हैं अपन, कोई क्वेश्चन यदि सरल है, सरल का मतलब कोई क्वेश्चन का लेवल अच्छा नहीं है और उन सीधे कॉन्सेप्टों से थ्योरम्स पे बेस्ड क्वेश्चन है तो उनको तो चंद सेकंड में उड़ा देंगे, लेकिन कोई बड़ा क्वेश्चन आता है अपने सामने, अभी तो देख लो अपनी रेशो वाला चैप्टर ही चल रहा है, इससे तो केवल मेरे को ऐसे लगता है कि कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आया जो अपने को टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो वो, तो इन वाले अगर इन इस चैप्टर से कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो इन क्वेश्चनों को अपन मैक्सिमम 10-15 सेकंड में उड़ा सकते हैं, और जो टाइम टेकिंग क्वेश्चन होंगे, जो लंबे क्वेश्चन होंगे, जो आगे चैप्टरों में पढ़ेंगे अपन, उनमें थोड़ा टाइम भी एक्स्ट्रा ले ले तो कोई दिक्कत नहीं है, तो अपने को एवरेज क्वेश्चन को उड़ाने का, सोल्व करने का टाइम एवरेज रख के चलना होता है, तो उसी प्रकार से देखो, उसी लिए मैं आपको एक चैप्टर से इतने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। कोसेक थीटा, साइन वाई प्लस कोस वाई बटे में दे रखा है, साइन वाई माइनस कोस वाई बराबर 3, फाइंड टेन वाई और देखो आप सोचते हो कि पता नहीं एग्जाम कैसा होगा, एग्जाम में कैसे प्रश्न आएंगे, कोई पहाड़ तो आने वाला नहीं है एग्जाम में, एग्जाम में यही क्वेश्चन आएंगे, ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस SI 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसी टाइप का क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो यही क्वेश्चन घूम के आने वाले हैं, केवल अपने को मेथड पता होना चाहिए और अपने को इतना पता भी होना चाहिए कि ये कहाँ से पूछा जा रहा है और इसमें अपने को कौन सा मेथड अप्लाई करना है, ये अप्रोच अपने डेवलप होनी चाहिए। तो देखो इस चैप्टर से मैंने 3-4 टाइप बताइए, उस तीनों चारों टाइपों के प्रॉपर मेथड आपको पता होना चाहिए सोल्व करने के, और ये भी अपने को ध्यान में रखना है कि सबसे कम समय अपने को कौन से मेथड में लगेगा, वही मेथड इन क्वेश्चनों में अप्लाई करना है। तो ये क्वेश्चन अपना दिल्ली पुलिस SI 2017 में आया हुआ है और इसी मेथड से आया हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे अपन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, साइन वाई प्लस कोस वाई बराबर 3 sin y माइनस 3 cos y, यहां से ये इधर आ जाएगा तो 2 sin y, ये इधर चला जाएगा बराबर 4 cos y, यहां से मेरे को कोट पूछा होता तो साइन को नीचे ले आता, यहां से मेरे को टेन पूछा है तो कोस को नीचे ले जाऊंगा, तो साइन वाई बटे कोस वाई बराबर, ये कट जाएगा ना मेरा 2 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 2 आएगी, तो टेन वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी, और यही अपने क्वेश्चन का सही आंसर है। इसी प्रकार से सभी क्वेश्चनों को उड़ाएंगे, दिल्ली SI, दिल्ली पुलिस SI 2017 का क्वेश्चन अपन ने उड़ा दिया है और इतना तो लिखने की जरूरत ही नहीं थी, मेरे को पता है साइन वाई प्लस कोस वाई होगा, इधर 3 sin y माइनस 3 cos y होगा, ये इधर आके साइन वाई 3 में से कट जाएगा तो 2 sin y बच जाएगा, और ये 4 cos y हो जाएगा, 4 2 से 2 बार में कट जाएगा तो 10 y की वैल्यू 2 हो जाएगी, ऐसे दिमाग में भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, कंपोनेंडो डिविडेंडो इस वाले क्वेश्चन में आप
लगा सकते हो। अब देखो इस वाली टाइप से दो क्वेश्चन और रहे हैं अपने, दो तीन क्वेश्चन हैं, ये मैं आपको शीट में अपलोड करवा के दे दूंगा, जो टेलीग्राम से डाउनलोड करके अपने को प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस ही एक आदमी को परफेक्ट बनाती है। देखो कोई भी स्टूडेंट या कोई भी खिलाड़ी ले लो, आप खिलाड़ी का उदाहरण ले लो, वो कोई पेट में तो सीख के नहीं आता है। सचिन तेंदुलकर पेट में सीख के नहीं आया था, सब जो भी स्किल है उसके पास, जो भी ज्ञान अर्जित किया है उसने क्रिकेट में, जो भी स्किल्स उसके पास है, वो सब यहाँ पे आने के बाद में ही सीखी गई थी और प्रैक्टिस से सीखी गई थी। तो आपको भी प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। तो प्रैक्टिस करते रहना है, शीट को डाउनलोड कर लेना है, उसकी हार्ड कॉपी निकलानी है और हार्ड कॉपी निकलवा के उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो आज के लिए इतना ही, यहाँ पे अपना रेशो वाला चैप्टर समाप्त होता है। आगे की क्लास में आगे का चैप्टर अपन आगे वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।